हमारी जरूरियात पूरी नहीं होती, अपनी शादी भी करनी है अभी। वालदा के बगैर जिंदगी मुश्किल है। वालदा का तो प्यार ही बहुत होता है, इसलिए ये तो हमसे मुझे बहुत जिंदगी की कट रही है। लम्हा न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट फेरा फैज। संडे ब्रंच के एक नए एपिसोड के साथ आज हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। संडे ब्रंच के हमारे आज के ख़ास मेहमान हैं मोहम्मद इब्रार। इनकी उम्र है 19 साल और ये लाहौर में काम करते हैं। इनका ताल्लुक खानेवाल से है और ये महाना 16,000 रुपये कमाते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी ज़िंदगी 16,000 रुपये में किस तरह से गुजरती है, इनके ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं और कौन सी मजबूरियां हैं जिन्होंने इनको इस उम्र में काम करने पर मजबूर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम इब्रार, कैसे हो? ठीक हो? काम करने की वजह क्या है? वजह है कि हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं होती। हमारी वालदा फौत हो चुकी है और हमारे वालिद भी मजदूरी करते हैं, इसकी वजह से हमारा घर का सर्कट नहीं चलता, इसकी वजह से हम मजदूरी करनी पड़ती है। अच्छा, आपकी वालदा फौत हो गई हैं जी, तो आप जब छोटे थे तो फौत हुई हैं या अभी? छोटे होते ही फौत हो गई थी। ठीक है, और घर में कौन कौन लोग मौजूद हैं? मेरे भाई हैं बड़े और मेरा वालिद साहब है। खाने वाल से लाहौर आने की वजह सिर्फ ये थी कि कमाना है और घर पैसे भेजने हैं? जी, घर की जरूरियात पूरी हो सके बस। तो घर की कौन कौन सी जरूरियात हैं जो पूरी नहीं हो पाती? बस घर में यही है, घर अपनी शादी भी करनी है अभी, ये वो जरूरियात। हमारे बड़े भाई हैं वो तो सीधे दिमाग के, वो तो कमाते ही हैं, पर वालिद है वो मजदूरी कर लेता है। पर तो आपके वालिद जो मजदूरी करते हैं, अगर कभी उनकी मजदूरी नहीं लगती फिर घर का गुजारा कैसे होता है? बस यही है, बस अल्लाह का शुक्र है, बहुत सीरियस है, लेकिन हम कमेटी डाल रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, उससे हमारा सरकट चल रहा है। 16,000 में कमेटी भी डालते हो? जी। और ये जो 16,000 आप कमाते हो, ये 16,000 खर्च कैसे होता है? सारे पैसे घर भेज देते हो या अपने ऊपर भी कुछ लगाते? ऊपर भी लगाते हैं। क्या करते हो? 5,000 हम अपने पास रखने, दूसरे घर भेज देते हैं। 11,000 घर भेज देते जी। ठीक है जी। तो इब्राहिम मुझे ये बताओ, आपकी वालदा नहीं है, वालदा के बगैर जिंदगी मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, वालदा का तो प्यार ही बहुत होता है, इसलिए ये तो हमसे मुझे बहुत जिंदगी की कट रही है। कोई ऐसा वाकया है जिस पे अम्मी बहुत याद आती हो? जी बहुत आती है यार, जब हमारी बहनें अपने पास होती हैं तो बहुत याद आती हैं, जब इकट्ठे होते हैं सब बहुत याद आती हैं, मैं उनकी बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। बचपन में क्या शौक था इब्रार को बनने का? बनने का तो ये था कि हमारी वालदा का भी ये शौक था कि मैं हाफिज़ बनना चाहते। मेरी वालदा का भी ये शौक था कि आप हाफिज़ बने, लेकिन वहाँ पहले गुजर चुकी थी, लेकिन आफत नहीं बन सका। माशाल्लाह 19 साल के जो इब्रार हैं उनका रिश्ता भी पक्का हो चुका है। तो शादी कब करनी है आपने? इंशाल्लाह 3-4 साल में शादी जी। और जैसे कि आप लोगों ने सुना कि इब्रार 16,000 रुपये कमाता है और 5,000 सिर्फ वो अपनी ज़ात के लिए रखता है और बाकी 11,000 रुपये वो अपने घर भिजवा देता है ताकि इसके घर में चूल्हा जल सके, इसके वालिद और इसके जो बड़े भाई हैं वो दो वक्त का खाना खा सकें। इब्रार, ज़िंदगी से कोई शिकवा है? नहीं जी, कोई शिकवा नहीं, हमारे वाले ने कोई शिकवाने नहीं दिया। वालिद को आप जब इस उम्र में देखते हो वो मजदूरी पे जाते हैं, दिल दुखता है? जी बहुत दुखता है, हमने उसे कहा भाई अपनी मजदूरी छोड़ दें। तो इसी बात के साथ अब हम अपना ब्रंच मंगाते हैं और इब्रार आज आपके साथ हम ब्रंच करेंगे क्योंकि आप हमारे आज के संडे ब्रंच के ख़ास मेहमान हो। ले जी, ब्रंच आ चुका है और ब्रंच में आज आया है बंद कबाब। चलो स्टार्ट करो, आप करो स्टार्ट। इब्रार, अच्छा आपने शादी की बात भी अपने की, आपने बताया कि आपका रिश्ता भी पक्का हो गया है और आप अपनी सेविंग से अपनी शादी भी करोगे इंशाल्लाह ताला। तो ये जो शादी का चक्कर है, ये लड़की पसंद की है या घर वालों ने पसंद की? जी वो घर की पसंद है। घर वालों ने पसंद किया? घर में किसने किए, बड़े भाई ने किए या वालिद ने? वालिदा और बहनों ने। वालिद और बहनों ने किए? तो कौन है वो, आपकी रिश्तेदार है? फेर है मेरी। अच्छा जी, फुफ्फो की बेटी है वो, जैसे कहते हैं ना कि जो मर्जी कर लो रिश्ता तो फुफ्फो की बेटी से ही हो रहा है, तो वो वही वाला सीन हो गया इब्रार के साथ। तो खुश हो इस रिश्ते से? जी सर। खुश हो जी। नाम क्या है उसका? हुमैरा बीबी।
हुमैरा बीबी नाम है जी। हुमैरा, उम्मीद करते हैं आप आज की हमारी ये वीडियो भी देख रही होंगी और आज आपको इस चीज़ का यकीन हो जाएगा कि इब्राज जो है वो हंसमुख होने के साथ, शुक्रगुजार होने के साथ साथ ये ज़िम्मेदार भी है। इन्होंने इतनी सी उम्र में अगर अपने वालदैन का सहारा ये बने हैं, अपने बड़े भाई का सहारा ये बने हैं, तो ये आपका सहारा भी बनेंगे और आपको भी ये पूरी ज़िंदगी बहुत खुश रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की हम अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर इब्राज, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते हैं व्यूअर्स आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए लम्हा न्यूज़।